हाय गाइस, दिस इज प्रियांशु एंड यू आर वाचिंग टेक रूबस्ट। और एक बहुत ही अच्छी खबर है कि इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज एप्लीकेशन बैन कर दिए हैं। मतलब मैं काफ़ी वक्त से चाह रहा था कुछ इसमें से ऐसी एप्लीकेशन मैं चाह ही रहा था कि बैन हो जाए, एंड वो हो गई। जैसे कि आपका टिकटॉक हो गया, शेयर इट हो गया, वीगो वीडियो जैसे भाई आदि एप्लीकेशन हो गई। सो फाइनली वो बैन हो चुकी हैं। एंड क्यों ये बैन हुई तो मैं आपको इसमें पहले बता दूं, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उनका क्लियर स्टेटमेंट है कि दीज एप्लीकेशंस आर एंगेज इन एक्टिविटीज प्रिजुडिशियल टू सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर। इस स्टेटमेंट से क्लियर होता है कि कितने हार्मफुल थी हमारे इंडियन पब्लिक के लिए और हमारी कंट्री के लिए ये सारी एप्लीकेशन, जितने भी 59 एप्लीकेशन है। एंड क्यों? क्योंकि ये जो भी हमारा डेटा होता है, डेफिनेटली यार कोई भी एप्लीकेशन हो, हमारा डेटा उस एप्लीकेशन के पास रहता है। एंड हमें पता है चाइना का क्या हिसाब है। कोई भी बड़ा ब्रांड हो, अगर मैं टिकटॉक की भी बाइट डांस की बात करूँ, जो कंपनी है चाइना की, उसमें भी जो उनकी जितनी भी कंपनियाँ होती है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं गवर्नमेंट ऑफ चाइना से। सो मतलब जो भी हमारा इंडियंस का डेटा था वो चाइना की गवर्नमेंट के पास भी जाता रहा होगा, या जो भी मतलब उनकी थी, इतना तो मैं नहीं पता, बट स्टिल एक हमारा डेटा था चाइना के पास। एंड वी नो कि अभी हमारे क्या कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं इंडिया चाइना के बीच, कितना टेंशन वाला सिचुएशन है। अगेन अब ये एप्लीकेशन इतने वक्त बाद बैन हुई है, मुझे बहुत खुशी हुई। स्पेशली टिकटॉक जैसे एप्लीकेशन में जहाँ रेसिज्म जैसी चीज़ें प्रमोट हो रही थी, पता नहीं क्यों वो एप्लीकेशन इतने साल तक इंडिया में रही एंड कितने सारे इंडियन यूजर्स थे, और बहुत ही अच्छा हुआ है ऐसी एप्लीकेशन बैन हो जानी चाहिए। एंड अब मैं शेयर इट की भी बात करूँ, कितने ऐड आते थे यार उसमें और कितने वाहियाती ऐड आते थे, तो मतलब बहुत ही परेशान था मैं। अब अच्छा होगा मैं अनइंस्टॉल करूंगा। एंड नाउ अब शेयर इट का एक बहुत बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि शेयर इट का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं, तो डेफिनेटली इतने सारे ऑल्टरनेटिव है। सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव है फाइल्स गो। ईएस फाइल एक्सप्लोरर भी बैन हो चुका है चाइना का जो एप्लीकेशन था, एंड उसका भी जो ऑल्टरनेटिव है अच्छा फाइल्स गो है गूगल का, काफ़ी सिक्योर है यार डेफिनेटली गूगल की एप्लीकेशन है। सो इन मी मतलब ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा कदम हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने उठाया है इन सारी एप्लीकेशन को बैन करते हुए। एंड अब क्या होगा, क्योंकि इन एप्लीकेशन से क्या हो रहा था, ये हमारा डेटा लेती थी, और अगर ये कहीं डेटा बेचती भी है या फिर लीक होता है डेटा, तो ये हमारा विदाउट ऑथराइजेशन होता था। हमारा कोई इसमें मतलब हमारा को पता भी नहीं है, हम इंडियन यूजर्स को पता भी नहीं हमारे डेटा के साथ क्या हो रहा है। तो ये ऐसी कंपनी अंडर 69 सेक्शन 69A के मतलब तहत ये सारी एप्लीकेशन बैन हो चुकी है, जो कि खतरा था हमारी डेटा के लिए, हमारे जो हमारे इंडियन यूजर जितने भी यूज़ करते थे, क्योंकि इन कई एप्लीकेशन के तो 100 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड थे, 100 मिलियन से 100 मिलियन मंथली यूजर्स थे। तो आप सोच सकते हैं कि इतना सारा डेटा था जैसे टिकटॉक जैसी एप्लीकेशन के पास। एंड कई सारी बहुत फेमस एप्लीकेशन में, मैं कैम स्कैनर की बात करूँ, कैम स्कैनर ज़्यादा लोग यूज़ करते रहे होंगे, मैं खुद यूज़ करता था कैम स्कैनर, अब डेफिनेटली मैं नहीं करूँगा। एंड नाउ मैं स्विच करूँगा अडोब के स्कैनर के लिए, जो अडोब का एप्लीकेशन है स्कैनिंग के, फाइल स्कैन के लिए आता है, वो भी काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, मैंने यूज़ करता हूँ उसको भी। सो डेफिनेटली आप लोगों भी जो कैम स्कैनर वगैरह जैसे जितनी भी 59 एप्लीकेशन इसके आपके फ़ोन के अंदर है या नहीं है, तो कभी मतलब डाउनलोड ना, जो डाउनलोड करा है जिन्होंने वो अनइंस्टॉल कर दें, अगर फ़ोन के साथ प्री इंस्टॉल भी आई है तो अनइंस्टॉल कर दें इन एप्लीकेशन को। ये हमारी सेफ्टी के लिए है जो हमारी गवर्नमेंट ने इतना अच्छा कदम उठाया है। सो ओवरऑल मतलब जो हमारा खतरा था डेटा को, इन एप्लीकेशन की वजह से अब नहीं होगा। एंड एक फ़ायदा ये भी होगा कि अब इंडियन कंपनी जो हमारे इंडियन एप्लीकेशन है वो भी आ सकेंगे मार्केट में। और बस मेरा ये मतलब बोलता हूँ ना, मेरी ऐसी ये उम्मीद है कि वो ऐसी टिकटॉक जैसी एप्लीकेशन जैसा है वैसी ना बने, थोड़ी हटके बने, अच्छा कंटेंट दिलवाए हमारे ऑडियंस को, इंडियन ऑडियंस को एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि टिकटॉक में काफ़ी रेसिज्म और काफ़ी चीज़ें थी जो मतलब प्रमोट हो रही थी। एंड अच्छा हुआ ये सारी एप्लीकेशन बैन ही हो गई। आप मुझे बताओ आपका क्या ख्याल है, कितनी एप्लीकेशन है आप लोगों ने अनइंस्टॉल करनी शुरू कर दी है, नहीं करी है तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। डेफिनेटली यार अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि अभी हमें भी अपनी गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। सारी एप्लीकेशन, चाहे यूसी ब्राउजर हो, चाहे शेयर इट हो, चाहे कैम स्कैनर हो, टिकटॉक हो, वीगो वीडियो हो, आप उस ब्राउजर जौन से भी जिस लिस्ट इस 59 लिस्ट में जितनी भी एप्लीकेशन आती है आपका आपके फ़ोन के अंदर है, तो अभी इंस्टॉल कर दीजिए, अपने फ़ोन को साफ कर दीजिए, ऐसे चाइनीज़ वायरस को ना रखें, क्योंकि बेसिकली यार ये वायरस ही है, ये ऐसी एप्लीकेशन जो हमारे डेटा को सिक्योर नहीं कर सकती। बस ये वीडियो इतनी थी, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए दिस इज प्रियांशु साइनिंग ऑफ।